हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो सी लैंग्वेज की है। जैसा कि आप जानते हैं कि सी लैंग्वेज में हम पहले ही फॉर लूप का प्रोग्राम देख चुके हैं और उसी पैटर्न पर मैं व्हाइल लूप भी बता रहा हूं। तो यहां से चलेंगे, एम्प्टी फाइल चूज करेंगे। अब यहां पे हेडर फाइल आएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि सी लैंग्वेज में हेडर फाइल लिखी जाती है हैश इंक्लूड stdio.h, तो ये हमने लिख लिया stdio.h। और फिर नीचे आएंगे, यहां पर लगाएंगे इंट मेन, यानी मेन फंक्शन बना दिया हमने। और फिर नीचे आइए और यहां पर कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर लीजिए। एक इंट टाइप का वेरिएबल बनाया आई नाम का, ठीक है, और इसमें इनिशियलाइज कर दिया वन, ठीक है। और यहां पर अब हम क्या करेंगे, वाइल लूप लगा लेंगे डायरेक्टली। तो यहां वाइल कीवर्ड लिखता हूं और फिर यहां पर आई इज लेस देन करेंगे, आई इज लेस देन 12, यानी 12 तक मैं चलाऊंगा, लेस देन 12, ठीक है। चलेगा ये 12 टाइम, लेकिन 12 टाइम चलेगा, लेकिन लेस देन 12, यानी कि चलेगा 12 टाइम लेकिन प्रिंट होगा 11 टाइम, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बनाई जाती है, तो वो बना लेते हैं। और फिर यहाँ लिखते हैं प्रिंट एफ, जो कि हमने लिख दिया। और फिर यार द वैल्यू ऑफ आई इज परसेंट डी, ठीक है, ये दे दिया हमने। और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें परसेंट डी देने के बाद बैकस्लैश एन देना है, ठीक है, बैकस्लैश एन दे दिया, ये कॉमा जो लगा दिया यहां पे इसको हटा देंगे जब बैकस्लैश एन देंगे तब। अब फिर यहां पे कॉमा लगाएंगे और आई, ओके, फिर यहां पर जैसे ही नीचे आएंगे तो अब इंक्रीमेंट यहां पर करेंगे, तो आई प्लस प्लस यहां पे कर दिया, वहां पर वहीं पर ऊपर ही इंक्रीमेंट हो जाया करता था, यहां पर इंक्रीमेंट नीचे होगा, ठीक है। और इच्छा हो तो नीचे रिटर्न जीरो दे दीजिए या इस तरह की चीजें कुछ आप कर सकते हैं। तो मैं कुछ नहीं देता हूं, ऐसे इसको बंद करता हूं और यहां से इसको सेव करता हूं और इसको कोई नाम दे देता हूं, डॉट सी लगा देता हूं। डॉट सी सी लैंग्वेज के फाइल की एक्सटेंशन होती है, जैसा कि आप जानते ही हैं। कंपाइल करवाएंगे, प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया। अब फिर इसको रन करवा देते हैं, तो ये देख सकते हैं वैल्यू ऑफ आई इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक प्रिंट हो रहा है। कारण क्या है 11 तक प्रिंट होने का, यहाँ पर वाइल लूप में हमने कंडीशन दिया है लेस देन 12, तो लेस देन 12 तो 11 ही होता है ना, ठीक है, इसी वजह से ये जो है 11 टाइम ही प्रिंट हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि वाइल और फॉर दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अगर यही फॉर लूप होता तो हम क्या करते, यहां पर हम फॉर लूप लगाते, ये देखिए ये फॉर लूप अगर होता तो क्या करते, यहां पे लिखते फॉर आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, आई इज लेस देन 12 करते और फिर आई प्लस प्लस, ऐसे करते हम फॉर लूप होता तो, और इसको हटा देते, ये हटा दिया हमने, ठीक है। और अब इसको सेव कर देते यहां से, ये सेव कर दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं इसको मैंने सेव कर दिया है, ठीक है, o.c के नाम से इसको। अब देखिए ये प्रोग्राम ओपन हो चुका है, बिल्ड पे जाके कंपाइल करवाएंगे, सेम चीज है तो सेम ही रिजल्ट प्रिंट होकर आएगा। तो ये देख सकते हैं सेम रिजल्ट फॉर लूप से भी प्रिंट होकर आ रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ फॉर लूप में यहाँ पर फॉर के अंदर ही इनिशियलाइजेशन वगैरह सब कुछ हो जा रहा है, वहां पर नीचे जाके इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पर यहीं पे इंक्रीमेंट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये सब डिफरेंसेस है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।